तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल है। तो गाइस लेके आ चुके हैं एक और नया वीडियो। और भाई लोग, आज की इस वीडियो मेरे पास है आईफोन 11 और आज हम इसका करने वाले हैं हैंड कैम टेस्ट, क्योंकि मैंने अभी तक जो है इस आईफोन 11 से हैंड कैम वीडियो एक भी नहीं बनाया है। और भाई लोग, आपको साथ में ये भी बताता चलूँ कि जो ये वाला वेरियंट मेरे पास है वो 64G वाले वेरियंट है और एक न्यू डिवाइस है। तो अभी काफ़ी दिनों से ना इस फोन को ना एक महीने का टाइम होने जा रहा है, मैं ऐसे ही चला रहा था बिना कवर के। तो फाइनली यार मैंने एक कवर बाय कर लिया है, तो इसका प्राइस समथिंग 250 रुपये के करीब है, तो मैंने परचेस कर लिया। आप देख सकते हो ये पूरा ट्रांसपेरेंट है और मैंने ये अमेजोन से परचेस किया हुआ था 250 में। और भाई लोग, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना कि जब ये कवर में आईफोन 11 पे लगाता हूँ ना तो पीछे से काफ़ी ज़्यादा औसम लगता है और भी ज़्यादा चमकता है। तो अभी मैं आईफोन 11 के बिना कवर का आपको लुक दिखा देता हूँ पीछे का। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है, पीछे का कांच की ग्लास लगा हुआ है ये पूरा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो अभी लेटेस्ट अपडेट था वो दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो 16.3.1 अभी आया, मैंने अपडेट कर रखा है ऑलरेडी। और भाई लोग, जल्दी से आपको इसका बैटरी हेल्थ दिखा देता हूँ। तो बैटरी हेल्थ इसका 100% है और इसको यूज करते हुए मुझे एक महीने का टाइम हो गया है। तो अभी जल्दी से बात करें तो इस फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें 6.1 इंच की लोकेट रेटिना HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इस आईफोन में मुझे 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, A13 Bionic चिप देखने को मिल जाती है और साथ में बैटरी जो है 31,000 mAh की देखने को मिल जाती है। तो ये तो बात हो गई स्पेसिफिकेशन की, और जल्दी से आपको वीडियो ओपन करके इसकी ग्राफिक सेटिंग दिखा देते हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो जल्दी से आपको इसकी ग्राफिक सेटिंग दिखा देते हैं। तो ग्राफिक सेटिंग हमें स्मूथ में एक्सट्रीम देखने को मिल जाता है, बैलेंस में एक्सट्रीम, HD में एक्सट्रीम, HDR में एक्सट्रीम और भाई लोग अल्ट्रा HD है, अल्ट्रा तक ही जाता है। तो भाई लोग, आईफोन 11 में ना ग्राफिक सेटिंग काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिल जाती है मुझे। तो अभी हम जल्दी से एक TDM ट्राई कर लेते हैं विद हैंड कैम के साथ में। तो चलो भाई लोग जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और भाई लोग, भी सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना वो Redmi Note 8 Pro से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी फोकस की ना प्रॉब्लम हो जा रही है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो भाई लोग, हमारा जो है विद हैंड कैम जो है एक कंप्लीट हो चुका है TDM, और अभी के लिए हम HDR प्लस एक्सट्रीम पे एक TDM ट्राई करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे को हो रही थी हैंड कैम बनाने में, क्योंकि मैं जो है थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पा रहा था डिस्प्ले को, क्योंकि मैं चाहता था थोड़ा रिकॉर्ड भी हो जाए। तो चलो भाई लोग, अभी के लिए हम HDR प्लस एक्सट्रीम पे एक TDM ट्राई कर लेते हैं। तो अभी भाई लोग हम HDR प्लस एक्सट्रीम में एक TDM ट्राई करेंगे और देखेंगे हमें क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो चलो भाई लोग जल्दी शुरू कर लेते हैं। Team has scored for the first time. एक रहा डैमेज हो रहा है। भाई यहाँ पे तो पिंग ही आई हो गई मेरी, 300 प्लस चली गई थी। वो सब आगे नहीं निकलने। तो फाइनली भाई लोग, हमारा ये भी HDR प्लस एक्सट्रीम में TDM कंप्लीट हो चुका है। और भाई लोग, परफॉर्मेंस एक नंबर देखने को मिली, ना ब्रैटन ड्रॉप हुई और ना ही भाई लैग हुआ कहीं भी। तो भाई लोग, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही देना। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।